तो दोस्तों अभी हमारे साथ हमारी नेक्स्ट है विशाखा बोध जो कि राजस्थान से है डिस्ट्रिक्ट से है और वो अभी इग्नो अमर कंटक में बीए सोशियोलॉजी एंड सोशल एंटरप्रनरशिप में कर रही है वो हमारे सामने अपना ड्रीम अपना एक्सपीरियंस और हमें प्रेरित करेंगी इसके लिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ विशाखा सो so, जय भीम सभी को मेरा नाम विशाखा बौद्ध मैं राजस्थान से हूँ और अभी मैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी से बीए आ, बीए इन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी से बीए कर रही हूँ और फर्स्टली मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी जो मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो टोटली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था और मेरी जो एक्चुअल एजुकेशन लाइफ जो स्टार्ट हुई है वो हुई है नालंदा से और वो जर्नी मेरे लिए जितनी इफेक्टिव रही है उसका मैं सर सर को जितना, सर को जितना जितना थैंक यू उतना कम है और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि, कि किस तरीके से मैंने घर से घर वालों को कन्विंस किया बाहर जाने के लिए बाहर पढ़ने के लिए इससे पहले सिक्स मेरी मैं सिक्स क्लास से लेके ट्वेल्थ तक मैं बाहर ही पढ़ी थी हॉस्टल में बट जब जब मैं जा, जाना चाहती थी तब मुझे तब मुझे नहीं भेजा गया क्योंकि जब मुझे ये पता चला कि यहां के मैं ज्यादा एजुकेटेड ज्यादा जा, एजुकेशन नहीं अचीव कर पाऊंगी परसीव कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ की सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि हम कहीं बाहर जाएं पढ़े और जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ वो इतनी इतनी ज्यादा इतने ज्यादा मतलब बैकवर्ड है कि यहाँ पे लड़कियों को 18 साल या 19 साल की होती बस ये उनको यही सपना दिखाते कि बस शादी करनी है तो ये एक कॉन्सेप्ट है मेरी सोसाइटी का तो इस सोसाइटी से इस सोसाइटी में रहने रहते हुए मैंने ये चीजें फेस की है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से काम करता है और ये चीज मतलब फील तब होती है जब हम उस चीज को समझ पाते हैं और उस उस टाइम पे हमें ये समझ भी नहीं थी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। एक्चुअली फेस कर रहे थे फिर भी ये पता नहीं था कि क्या फेस कर रहे हैं और चीजें नॉ बहुत नॉर्मल लगती थी कि हाँ जेनविन है सबके साथ होता है बट जब ये रियलाइज हुआ कि हाँ ये चीजें सही नहीं हो रही क्योंकि ये रियलाइज तब होता है जब हमें रियलिटी का पता चलता है और रियलिटी का पता सोसाइटी में रह के तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि सोसाइटी में रह के हमारा माइंड भी वैसा ही हो जाता है और हम उससे ज्यादा सोच भी नहीं पाते बट जब मैंने अपने घर वालों के सामने ये बात रखी कि मुझे नालंद ज्वाइन करना है तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे मना कर दिया था क्लियर कट बोल दिया था कि नहीं भेजेंगे फिर मैंने कंटिन्यूसली दो या तीन महीने उनको कन्विंस करने में मुझे लग गए स्टिल तो मैंने अपनी मम्मी को और अपने ताऊजी से मैंने मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी होनी उठानी पड़े सोसाइटी में क्योंकि यही मतलब सबके एक पर्टिकुलर सोसाइटी होती है सबके रूल्स रेगुलेशंस कस्टम्स सब अलग होते हैं बट यहाँ का जो जो सोशल है सबसे ज्यादा मेरी सोसाइटी का वो ये है कि लड़की लड़की बस 18 19 में हो जाए तब शादी कर दो वरना आगे का पता नहीं क्या होता है क्या नहीं क्योंकि इतना मतलब कोई इतना वेल well एजुकेटेड नहीं है और सोसाइटी में ऑलरेडी ऐसे केसेस हो चुके हैं कि लड़कियां लव मैरिज कर लेती है बिना बताए घर छोड़ के चले जाती है तो ये सारी चीजें मतलब पेरेंट्स सारे पेरेंट्स को सारे पेरेंट्स के लिए थ्रेड की तरह होता है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये डिसीजन लेना कि हम हमारे बच्चे को घर से बाहर भेजे पढ़ने के लिए तो मैंने भी वो चीज़ सेम चीज फेस की बट सब वो ये जो है ना कि सब केसेस में सारी चीजें सेम नहीं होती बट मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे केस में और आप एक बार मुझे ये चांस दे देखो आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगी मैं तो मुझे मुश्किल से परमिशन मिली, फिर मुझे मेरे कजिन के साथ भेजा नालंदा और वहां से मेरी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई क्योंकि उससे पहले की जो मेरी जर्नी है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ट्वेल्थ पिलानी से किया है और तब तक मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था बस मुझे इतना पता था कि दो फील्ड होती है या तो साइंस ले लो या आर्ट्स ले लो बस उसके अलावा कुछ और ऑप्शन है नहीं बस और पढ़ाई का जहां तक मुझे पता है बस ये था कि हाँ साइंस ले लोगे तो कुछ डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगे और आर्ट्स ले लोगे तो बस ऐसे ही कॉम्पिटिटिव फाइट करते रहो बस तो घर वालों ने स्टार्टिंग से यही बोला था कि हाँ साइंस लेना है मैथ्स लेना है और क्योंकि मैं पिलाने में रह रही हूँ वहाँ का इन्वॉर्मेंट काफी अच्छा है वैसे कि वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बहुत एलिट एलिट तो उनका यही ड्रीम था कि बस कैसे जैसे करके बच्ची को एडमिशन दिलवाए और अच्छी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाए और मैंने भी बस उतना ही सोच रखा था उसके बाद जब मैं मैं नागलो का गई तो मुझे पता चला कि मैं मंथ की स्पिरिचुअलिटी ट्रेनिंग के लिए नागलोक गई थी तब मुझे पता चला था कि कैसे मतलब इतने स्टेट के वहां पे लोग थे मेरे साथ और काफी एक्सप्लोर किया मैंने खुद को कि हाँ कैसे मतलब अलग अलग कल्चर होते हैं और जो मैं सोच रही थी मेरा जो मानना था स्टडी को एजुकेशन को लेके सिर्फ उतना ही नहीं है हम खुद को एक्सप्लोर जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं ये दुनिया बहुत बड़ी है बहुत फील्ड है और हम किसी भी फील्ड में हमने हमारी स्टडी कर सकते हैं तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को नालंदा जाना है जब नालंदा पहुंची तब मुझे एक्चुअल कॉम्पिटिशन क्या होता है वो पता चला और उस कंपटीशन में मैं कहा एग्जिस्ट करती हूँ वो भी मुझे पता चला कि हाँ मेरा मैं मेरे अंदर कितना पोटेंशियल पावर है या फिर उस वक्त मेरे अंदर कितना नॉलेज था तो उस वक्त का मेरा जो नॉलेज था वो बिल्कुल जीरो था क्योंकि मेरा जो स्कूलिंग हुआ है उसमें मैंने पढ़ाई कम और गेम्स में, में मेरा ज्यादा वो था फोकस था क्योंकि मैंने नेशनल तक खेला है तो बस वो, उसी उसी में पूरा मेरा टाइम निकल गया था इसलिए मेरा जो बेसिक था मेरा जो बेसिक क्लियर होना चाहिए था ट्वेल्थ तक का वो तक क्लियर नहीं था उसके बाद जब मैं नालंदा आई फिर मैंने चीजों को रियलाइज किया कि मुझे मतलब इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी फिर स्टार्टिंग में जब न्यूज़पेपर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया फिर मैं मैंने जाके इंडिविजुअली मैंने मैंने सर सर से बात की मैंने बोला बहुत डिफिकल्टे सब मेरे लिए और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि और जिस दिन फर्स्ट डे में मुझे आज भी याद है फर्स्ट डे जब मैं नालंदा में मैंने क्लासेस अटेंड की सब कुछ मेरे ऊपर से गया था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे और ऐसे हो गया था कि अब मैं क्या क्या करूं मैं घर वालों से लड़के यहाँ तक आई हूँ बट अब मैं मैं अब करूँ क्या फिर मैंने सर से बात की सर ने मुझे बहुत बहुत किया किया और और तरीके से मुझे समझाया बेटा सब कुछ इतना आसान नहीं है सारी चीजों को टाइम लगता है ये एक प्रोसीजर है एजुकेशन एक प्रोसीजर है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और आप बस सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा फिर वो उन चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और फिर मैंने जीरो से स्टार्ट किया क्योंकि इंग्लिश में मुझे डिवीजन सबट्रैक्शन प्लस माइनस इनका मतलब तक नहीं पता था फिर क्योंकि वो नहीं पता था इसलिए मेरे लिए मैथ्स भी मेरा जीरो से ही स्टार्ट हुआ है तो इंग्लिश और मैथ्स का मैंने धीरे-धीरे धीरे-धीरे जैसे-जैसे में से होता था मैंने किया फिर फर्स्ट टाइम जब मैंने सर के सामने न्यूज़पेपर का प्रेजेंटेशन दिया था तब सर ने मुझे अप्रिसिएट किया था उस दिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अगर मैं इसी इसी वे में अगर जाती रही फ्लो में जाती रही तो मैं जरूर एक दिन आ, uh, ये इसमें सक्सेस रहूंगी कि हाँ मैं इंग्लिश मेरी अच्छी हो जाएगी और मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी फिर रीजनिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी तो रीजनिंग में भी मुझे बस सबसे अच्छा मुझे सबसे अच्छी जो डिफरेंट चीज है जो मुझे वहां पे वो जो एटमोसफेयर मिला वो ये था कि वहां पे किसी को भी अपनी प्रॉब्लम बताते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी और ऐसे इतना 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 ज्यादा मतलब अच्छा एटमोसफेयर था कि वहां पे अगर हम किसी को भी कुछ पूछेंगे तो कोई भी हमें जज नहीं करता था तो ये चीज मुझे नालंदा की सबसे अच्छी लगी और आज तक मैं जहां भी पढ़ी हूँ मैंने कहीं भी ऐसा एटमोसफेयर नहीं देखा जो नालंदा ने हमें दिया और वही रीजन ने उसी रीजन की वजह से आज मैं इतना कुछ सी आई हूँ नालंदा से फिर मैंने एडमिशन लिया इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में फिर वहाँ मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई फिर मैं क्योंकि वो सब्जेक्ट मेरे लिए टोटली डिफरेंट था और एकदम नया था और वहाँ वहाँ भी मैं मेरे को एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ा सब कुछ बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा और वहाँ पे जब मैंने अपना कंपटीशन देख क्योंकि जब एक लेवल डेवलप हो चुका था बट जब वापस हम उनका किसी नए एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो हमें फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे जो मेरे मेरे कर्लिंग्स थे वो सब आईसीएससी बोर्ड के और जब प्रेजेंटेशन की बारी आई जब खुद को इंट्रोड्यूस करने की बारी आई तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी और मुझे ऐसे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी अब लेकिन फिर वही सर की बताई हुई बातें जब याद आती है तो मतलब ऑटोमेटिकली ना मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ अब रुकना नहीं है आके जाके बोलना ही है बस और फिर वहां के जो मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे वहां की जितने भी फैकल्टी मेंबर्स से सब ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और स्पेशली मैं उन सबको भी थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे वहां इतना सपोर्ट किया क्योंकि अगर वो लोग मुझे वहां सपोर्ट नहीं करते तो मुझे बहुत सारी चीजें वापस फेस करनी पड़ती और जब मैंने जब मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन uh, मैंने वहां पे दिया था तब मुझे याद है मैं इतना ज्यादा नर्वस हो गई थी कि मुझे ऐसे लगा कि मैं अब नहीं कर पाऊंगी वही सिचुएशन याद आ रही थी जब मैं फर्स्ट डे नालंदा में मेरा था वही सब कुछ मतलब ऐसे लग रहा था कि सब कुछ uh, वापस से वही-वही सीन वही हो रहा है मेरे साथ तो वो सारी चीजें काफी uh, काफी ज्यादा मेरे लिए uh, प्रॉब्लेमेटिक थी कि मुझे फेस करनी पड़ी वो सब चीजें और उसके बाद जब अब मैं अब मेरा फाइनल ईयर है और अब मैं आगे का सोच रही हूँ कि मेरे को एमए करना है तो मैं सोशियोलॉजी से ही एमए करना चाहूंगी और उसके बाद पीएचडी में फॉरेन से करना चाहती हूँ ये मेरा ड्रीम है और थैंक्स टू नालंदा एंड नालंदा टीम एंड थैंक्स स्पेशली अनूप सर जी जो आज कुछ जितना भी कुछ मैंने अचीव किया है वो उन्हीं की वजह से किया है थैंक यू थैंक यू विशाखा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया नालंदा का आपका गांव का क्योंकि राजस्थान मुझे पता है कि राजस्थान में जल्दी ही शादी होती है लड़कियों की उसमें भी आप आप मुझे लगता है आपका परिवार आ, की लोग ही ज्यादा वहां पे पड़े हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच आपके शेयर करने के लिए